श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, वैशाख मास का क्या महत्व है? ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें यदि हम पालन कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, तो हमें बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जैसी भी मनोकामना हो, जैसी भी हमारी इच्छा हो, अवश्य पूर्ण होती है। आप शायद जानते नहीं हो, वैशाख मास का एक नाम माधव मास भी है। 17 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, रविवार का दिन। प्रतिपदा तिथि 17 अप्रैल रात 10:01 तक रहेगी और उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। 17 अप्रैल से ही वैशाख का मास शुरू हो चुका है। हमारी संस्कृति में वैशाख मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। शास्त्रों में वैशाख मास के दौरान किए जाने वाले बहुत सारे यम नियम आदि का जिक्र है। यानी 17 अप्रैल जो वैशाख मास की शुरुआत हो रही है, पूर्णिमा तक ये यम नियम आदि चल सकते हैं। यानी 17 अप्रैल से शुरू होकर वैशाख मास की पूर्णिमा तक ये यम नियम चलेंगे। वैशाख मास का क्या महत्व है, इस दौरान किस नियमों का पालन करना चाहिए, उन नियमों को पालन करने से आपको कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करकर आप वैशाख मास का पूरा पुण्य, पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी कमियां हैं या जो भी मनोकामनाएं हैं, उन्हें पूर्ण कर सकते हैं। वैशाख मास में भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजन होती है। वैशाख मास का एक नाम माधव मास भी है। माधव मास का बड़ा ही महत्व है। इस माह में यदि आप इस मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार यदि जाप करते हैं, आप मानेंगे नहीं, बहुत ही अच्छा प्रतिफल आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इस मंत्र को आप जिस भी इच्छा से, जिस भी मनोकामनाओं से करते हैं, आपकी वह मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। मंत्र है ओम माधवाय नमः। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक जगह बैठकर ही करना है। आप दिन भर में स्नान के बाद जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते ही इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दिन भर में आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार इस मंत्र का जाप करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको करियर में तरक्की मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे, या आपके कारोबार में कोई घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, तो आप एक कार्य कर सकते हैं। आप सुबह स्नान के बाद, वैशाख, पूरे वैशाख मास में आप, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं श्री हरि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जिनकी अर्धांगिनी हैं, उनकी कृपा यदि आप पर हो जाती है तो आपको धन की कमी हो ही नहीं सकती। 17 अप्रैल से लेकर पूरे 30 दिनों तक आप भगवान विष्णु की तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु का पूजन करें। इससे व्यक्ति को करियर में तरक्की तो मिलती ही है, इसके अलावा जो भी उसकी इच्छा है, जो भी उसकी मनोकामना है, पूर्ण होती है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं अपने घर में, तो यदि घर में, मंदिर में, कहीं भी आप वैशाख मास में तुलसी का पौधा रोपित करते हैं, इसका भी आपको एक बहुत ही अच्छा प्रतिफल मिलता है। कार्तिक मास और वैशाख मास दोनों में, जब भी आप दोनों मासों में तुलसी के पौधे का रोपण करते हैं, इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आर्थिक समस्या तो बहुत पूरी तरीके से आप आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। वैशाख या माधव मास के दौरान जप, तप, हवन के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। इस दौरान जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से जप, तप, हवन, स्नान पवित्र नदियों में जो स्नान करता है, उसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करने जा सकें। इसके लिए आप बहुत ही छोटा सा उपाय कर सकते हैं। अपने स्नान के जल में, आप यदि गंगा जल आपके घर में है, तो 2-4 बूंद आप यदि डाल लेते हैं प्रतिदिन, वैशाख का पूरा मास यदि आप 2-4 बूंद रोज गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, इसकी अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में आनंद ही आनंद है।
और समृद्धि तो इस तरीके से आती है कि आपके घर में कोई भी कमी नहीं रहती, पूरे ऐश्वर्य आपको प्राप्त होते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। वैशाख मास को कार्तिक मास के समान ही समकक्षी बिठाला गया है, क्योंकि जैसे कार्तिक मास में आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान की पूजन करते हैं, वैसे ही यदि वैशाख मास में भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और भगवान विष्णु की पूजन करें, ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और जीवन में तरक्की ही तरक्की मिलती है। साथ ही वैशाख मास में ही भगवान शिव को जल समर्पित करने का बहुत ही अच्छा फल बताते हैं। ऐसा कहा जाता है आपके जीवन के सारे कष्ट भगवान शिव हर लेते हैं। इसी के साथ आप पीपल देव में, आंवला में, बिलपत्र में जल समर्पित करते हैं। वैशाख पूरा मास इसका आपको जो भी आपकी इच्छा से, जो भी मनोकामना से आप जो भी कार्य करते हैं, ये आप जिस भी मनोकामना से इन पवित्र वृक्षों के नीचे जल समर्पित करते हैं, आपकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होती है और बहुत शीघ्र इसका फल प्रतिफल देखने को मिलता है। वैशाख मास के दौरान घट दान यानी मिट्टी का घड़ा दान करने का भी विधान बताया गया है। इस दौरान आप यदि किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में, कोई भी सार्वजनिक स्थान यदि पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखते हैं या किसी जरूरतमंद को, किसी ब्राह्मण को यदि मिट्टी का घड़ा दान देते हैं, यदि आप जल से भरा हुआ नहीं दे पाते हैं तो कुछ दक्षिणा रखकर आप मिट्टी का घड़ा यदि दान करते हैं, इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है, कोई भी कमी आपके जीवन में नहीं आती। कहते हैं बल्कि मिट्टी के घड़े का दान करने का तो इतना महत्व है कि आपको इस लोक में नहीं, परलोक में भी इसका पूरा पूरा फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है वैशाख मास पूरे 12 माहों में राजा होता है। इस दौरान बहुत ही अच्छे फल जैसे खरबूजा, आम, तरबूजा, ये सब फल आते हैं। कोशिश करें कि महीने में कम से कम एक बार तो आप ये फल मंदिर में चढ़ा कर आएं, किसी ज़रूरतमंद को, किसी ऐसा लगता है कि ये फल शायद ही नहीं खरीद सकता, उसे दान करें या किसी ब्राह्मण को दान करें। इसका भी आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है और आपके जीवन के सारे कष्ट सिर्फ इस दान को करने से ही आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। कर देखें, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मास है ये। इसमें आप जो भी कर लेते हैं, एक मास आप यदि कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं, जब तब दान जो भी करते हैं, आपको उसका असंख्य गुणा फल प्राप्त होता है। कर देखें, श्रद्धा बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।